वो तो ये शेर आदमी है, शेर शेर तो जंगल में होकर रहा है, शेर शेर तो जंगल में होकर रहा है। इंसान अगर इंसान अपना को शेर बताने लगा तो ये मान लो कि उनसे ये पूछो जो शेर बता रहे हैं कि माँ जंगल गई थी या बाप से डराया था, लेकिन ये पूछ लो। मोदी शेर नहीं है, मोदी जी शेर, शेर तो जानवर होता है, मोदी जी तो अच्छे खासे इंसान है चलते फिरते। ये शेर और जानवरों वाली भाषा हम नहीं जानते, हम जानते हैं किसान मजदूरों की बात करने वाले को। इन्हें तो शर्म करना चाहिए, 10 साल में देश कम से कम ना 50 साल पीछे कर दिया इन्होंने। 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दें आप लोग। छाती जो है 56 इंच की है, छाती तो पता नहीं किसकी 56 इंच की है, भेजी तो थी एक ने भेजी थी, वो 56 इंच की भेजी थी, पहन लियो 56 इंच की थी तो पहन लेते सर। क्या होगा 24 में, 24 में पलट देंगे सरकार को, क्या पलट देंगे, 24 में बिल्कुल खत्म कर देंगे। पार्टी अकेले चुनाव लड़के देख ले, अगर जमानत जब्त ना हो गई लोगों की तब कहना। क्या माहौल है इस बार, बहुत अमीर आदमी लग रहे हैं, बढ़िया जैकेट वगैरह पहन के आए हैं, पूरा ठीक ठाक कमाई उमाई बढ़िया हो रही है आपकी लग रहा है, सरकार में ठीक ठाक सब चल रहा है। मतलब ठंडे में कपड़ा पहन ले तो आदमी अमीर है, और चाहे पिछवाड़ा फटा हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे TNS न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल जानने के लिए निकले हम लोग, क्या माहौल होगा चुनाव में। 3-4 महीने का वक्त, एक तरफ बीजेपी खड़ी है जो NDA गठबंधन के साथ है, वहीं इंडिया अलायंस जो बना है वहां पर 27-28 घटक दल है, वो एक साथ आते हैं, अगर चुनाव मजबूती से लड़ते हैं तो बीजेपी के रथ को दिल्ली जाने से कैसे रोकेंगे, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो सामने आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नितिन बालियान। बालियान जी, क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल रहेगा, एक तरफ NDA बीजेपी का अलायंस बड़ा दल, उस दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बन के तैयार हुआ है बीजेपी के रथ को रोकने के लिए, कौन किस पे कितना भारी है, 10 साल में भाजपा कैसे लगी? देखिए 10 साल में भाजपा ने जो पिछले 70 सालों में आजादी के बाद देश के जो सरकारी संस्थान थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेचने का काम किया है। जिस प्रकार सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि एक शेर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये सभी घटक दल इकट्ठे हो गए हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ तो अभी 27-28 दल हैं, आपके पास तो 36 दल हैं, 37-42 दल आपके पास 2014 में थे, उसके बाद घटे, अब आपके पास 36 दल आपके पास हैं, ये जो छोटे छोटे दलों को लेके आप लोगों ने NDA गठबंधन बनाया है, उस NDA गठबंधन का नारा क्यों नहीं देते आप लोग? आप लोग कहते हैं कि हम लोग मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़के देख ले, अगर जमानत जब्त ना हो गई लोगों की तब कहना। अगर इस देश का किसान इस ऐसी नाकारा सरकार में 13 महीने ठंड और ठिठुरती बरसात में अगर सड़कों पर बैठ सकता है और देश का प्रधानमंत्री चंद किलोमीटर की दूरी पर बैठकर किसानों से मुंह मोड़ ले तो वो प्रधानमंत्री देश के लिए ठीक नहीं है। अगर देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां 45 दिन तक जंतर मंतर घसीटी जाती हो, लाठी डंडों से पीटी जाती हो, तो ऐसी नाकारा सरकार को अब की बार इस देश की जनता नकारने जा रही है। अगर इस देश के मजदूर इस देश के लिए काम करने वाले हमारे पिछले भूतपूर्व सैनिक अगर दिल्ली में जाकर हुंकार भरते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हमें दे दो, और चंद किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए देश के हुक्मरान को, देश के आका को, देश के प्रधानमंत्री को, अगर वे सैनिक जिन लोगों ने उन सरहदों पर जाकर देश की रक्षा की हो, वो सरहदों पर खड़े हुए सैनिक और वे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए, अपनी पेंशन के लिए लड़ते हुए सैनिक दिखाई नहीं देते, तो उस देश के हुक्मरान को खुद को शेर कहलाने का कोई दायित्व नहीं रहता। मैं लड़ता हूं आपको, बस बीजेपी लगातार कहती है कि 10 साल बेमिसाल, इस बार भी 24 हमारा है, 24 हम जीतेंगे, कैसे देखते हैं इस बात को? 24 को आने दो, अभी तो 24 आए नहीं, 24 को आने तो पता लग जाएगा क्या होगा 24 में, 24 में पलट देंगे सरकार को, क्या पलट देंगे, 24 में बिल्कुल खत्म कर देंगे। बीजेपी कह रही है किसान हमारे साथ, नौजवान हमारे साथ, महिलाएं हमारे साथ, 3 राज्यों के चुनाव जीत के हम आए, कैसे लड़ देंगे? अगर बीजेपी नू करी है किसान हमारे साथ है, तो भाजपा के लोगों पर लटवाया था अभी किसानों ने, गाड़ी पड़ी सब तोड़ दी उनकी, किसान कहाँ है उनके साथ? नहीं है किसान, कहाँ है किसान उनके साथ बताओ? नौजवान 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 परेशान घूम रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही नौकरी बताओ? सारे नौजवान बेकार है सड़कों पर, रोजगार बांट रहे थे 2 करोड़ हर साल, कहाँ बांट रहे हैं रोजगार, पकौड़े तल रहे हैं नौजवान। मोदी जी शेर आदमी है, शेर शेर तो जंगल में होकर रहा है, शेर शेर तो जंगल में होकर रहा है, इंसान अगर इंसान अपना को शेर बताने लगा तो ये मान लो कि उनसे ये पूछो जो शेर बता रहे हैं कि माँ जंगल गई थी या बाप से डराया था, लेकिन ये पूछ लो उनसे जो शेर बता रहे हैं। 56 इंच की है छाती, तो पता नहीं किसकी 56 इंच की है, भेजी तो थी एक ने भेजी थी, वो 56 इंच की भेजी थी, पहन लियो 56 इंच की थी तो पहन लेते सर। क्या माहौल देखते हैं 24 में, बीजेपी आएगी कि जाएगी? जा गई बीजेपी तो गई गई गई
पूरा सुपड़ा साफ है भाजपा साफ है। साफ क्या लगते हैं भाई साहब, शुभ नाम बताइए, क्या माहौल देखते हैं आप? धनपाल यादव है, समाजवादी मजदूर सभा प्रदेश। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? इंडिया अलायंस जो बना है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो दल साथ आए हैं, कांग्रेस और तमाम जो दल, क्या माहौल है? इंडिया जीतेगी। जीतेगी इंडिया, बिल्कुल इंडिया जीतेगी। अच्छा ये किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी वाले? किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी वाले? कह रहे हैं कि 10 साल में इतना काम कर दिया, हम चुनाव तो लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। बताइए, इन्हें तो शर्म करना चाहिए। 10 साल में देश कम से कम ना 50 साल पीछे कर दिया इन्होंने। हाँ 10 साल में क्या काम किया? एक काम बता दें आप लोग। कह रहे हैं कि राशन 5 किलो फ्री में बांट रहे हैं हम लोग। 5 किलो राशन के बाद मुझे कितना पब्लिक को लूट रहे हैं? 5 किलो राशन नौकरी वो दे रहे हैं। कौन सी नौकरी? एक दे दी, एक बता दो। पेपरों में सबमिट कर जाती है। महिला सुरक्षा वो दे रहे हैं। कहाँ पे कितनी महिलाएं मर गई बताओ? जिंदा महिलाएं कानपुर में मंदिर वो बनवा रहे हैं। हाँ मंदिर चाहिए क्या? उसको ना पेट भर जाएगा। इस देश की जनता को फ्री का राशन नहीं चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जितना ये राशन दे रहे हैं उससे ज्यादा तुम्हारे किसानों का खा रहे हैं। जो छुट्टा योगी मोदी घूम रहे हैं। हाँ साठ योगी मोदी हो गए और क्या है। वो इस बार 24 में क्या देखते हैं? 24 में 100% इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ जीत रहा है 100%। बीजेपी नहीं आ रही है? बीजेपी कहीं नहीं है। क्या लगता है भाई साहब इस बार, बताइए क्या माहौल है इस बार? बहुत अमीर आदमी लग रहे हैं आप, बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के आए हैं, पूरा ठीक ठाक कमाई में बढ़िया हो रही है आपकी लग रहा है, सरकार में ठीक ठाक सब चल रहा है। मतलब ठंडी में कपड़ा पहन ले तो आदमी अमीर है, और चाहे पिछवाड़ा फटा हो, है ना? क्या लगता है आप? नहीं बढ़िया है ना, काफी बढ़िया। कहाँ कह रहे सरकार आपको ध्यान नहीं रखनी है, नौकरियों की बढ़िया सरकार है। चलो हमारा नहीं ध्यान दे रही, और लोगों को तो ध्यान दे जो इनको वोट दिया। आपको तकलीफ नहीं है ना? मुझे तकलीफ है ना, ये आपका की मांग के लाए? मांग के लाए, मांग के लाए। हाँ विनीत भाई का है, विनीत भाई और जैकेट आपकी है। ठीक है, मतलब ठंडी में कपड़ा लेके पहन लिया, खलने लगा। कितना मजबूत है इंडिया अलायंस? इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ईडीए भेजने लगी है, कोरोना काल का वो कहते हैं लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। वो ऐसा करेगी कि अभी लॉकडाउन लगवा देगी, बिहार में रैली होने से पहले वो लॉकडाउन लगाएगी, ताकि हम लोग घर से निकल ना पाए, और वो अपने सरकारी मशीनों के तहत प्रचार भी कर लेगी, और जो गोदी मीडिया है जैसे आप लोग हो उसका जयकार करके उसको जिता दोगे। हम गोदी मीडिया है और कौन हो तुम लोग? अभी जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना शुरू करेंगे आपका चेहरा आग बबूला होते रहोगे, और उसके बाद क्या है हमारी आवाज भी काट दोगे बार बार। बोलिए भारतीय जनता पार्टी में क्या बोलना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हमें बता दीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कौन कौन से काम किए? बहुत काम किए महाराज। वो कौन काम किए? काम किए तभी 2019 में जीते हैं वो। एक बात सुनो, बहुत और अंकों में बड़ा फर्क होता है, अंक से बता दीजिए। पहला काम क्या किया बता? क्या किया? नोटबंदी किया। दूसरा काम क्या किया? 2000 की नोट चालू किया। तीसरा काम क्या किया? फिर बंद कर दिया। ठीक, तीसरा काम कहा उन्होंने, चौथा काम बताया था कि काला धन लाएंगे। काला धन अब निकल रहा, किसके वहाँ निकल रहा? उन्हीं के यहाँ से निकल रहा। इंडिया एलायंस बताइए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ आएगी, खींचतान रहेगी? अब देखो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो लोग जो आदेश करेंगे हम उसको अमल करेंगे। हाँ क्या लगता है नौजवान हो इस बार क्या उम्मीद है 24 के चुनाव से? बीजेपी का 10 साल कैसा लगा? बीजेपी के 10 साल के आप लोग बीजेपी की इतनी देर से चापलूसी कर रहे हैं, इतनी देर से बीजेपी के एक काम बताइए आप जो आपने किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में? कहती है राम मंदिर है, राम मंदिर भूखे को खाना दे देगा, अनपढ़ को शिक्षा दे देगा, या जो मर रहे हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्था दे देगा? और राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया कैसे? कह दिया आपने बीजेपी, कोर्ट का आदेश था, अगर राम मंदिर बीजेपी बनवाती तो लोकसभा में उसको बनवाने का बिल पास कर देती। वो तो मंदिर बनना चंदे के पैसे से बनना, प्रधानमंत्री जी बताए हमने एक पैसा या एक रुपये मैंने लोकसभा में उसका बिल पास किया है। तो क्या राम मंदिर बनने से भाजपा को फायदा होगा वोट में? भाजपा का फायदा हो या ना हो, लेकिन इससे नुकसान भी नहीं है भाजपा का। राम मंदिर मस्जिद बस यही लड़ाती रहेगी, और आप लोग इसी के लिए वो अपना लगाते रहेंगे लोगों को, राम मंदिर। कभी पूछा सरकार से या बीजेपी के लोगों से कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं? कितने कि हर साल? आप ये बताइए कितनी हर साल? 2 करोड़ बायोटेट। आप 2 करोड़ छोड़ी, 2 लाख का बायोटेट दीजिए हमें, और मंदिर की छोड़ी, आप एक कॉलेज बता दीजिए जो आपने एक कॉलेज बनवाया है, एक हॉस्पिटल बताइए जो आपने बनवाया में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है बताओ। आप बगल में सिविल है ठीक है ना, और जाइए वहाँ पे काउंटर पे दवाई नहीं मिलेगी, बाहर की दवाई लिख दी जाती है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। जाओगे 12 बजे ना,
दो बजे तक बैठते हैं, बैठने को होता, वो कहो 11 बजे आए, 12 बजे चले जाए, ये हालात हैं। और काम बीजेपी के, आप एक काम बताइए, एक काम आपसे बताया नहीं जा रहा है, बताइए एक काम बताइए आप। अरे मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी ना, काम बताऊं। अभी तो आप बीजेपी बीजेपी लिए जा रहे, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, आप बताइए क्या किया बीजेपी ने। बीजेपी ने नहीं किया तो बताओ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहिए था उसको, क्यों नहीं करना चाहिए आप बताइए। हम युवा है, हम रोजगार के लिए भटक रहे, क्या करें बताइए, ग्रेजुएट है हम, क्या करें बताइए, कहाँ जाए और बताइए क्या मिला है। हाँ। आप बताइए, इतनी वैकेंसियां है, आप चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहा ना, तो 60,000 वैकेंसियां पुलिस में निकालने को गई। हाँ। और 22 में भी 50,000 आई थी, अभी तक भर्ती हुआ है? हाँ। हुई भर्ती है? नहीं हुई। मालूम है आपको कि खाली यही भोपोली पकड़े दिखा रहे हैं सबको। हाँ। और बताइए कोई काम बताइए। और आसन की बात करते हैं, फिर भाजपा जीत कैसे जाती है बताओ। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 राज्य जीत करके आई है, 3 राज्य ने हम पूरे प्रदेश की। आप जैसे जब तक भारतीय जनता पार्टी की चापलूस मीडिया रहेगी ना, तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती तो रहेगी। जनता इतनी मूर्ख है कि मीडिया के चक्कर में आ जाती है, जनता इतनी मूर्ख। मीडिया मीडिया दिखाती कुछ, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है। जो दिखाना चाहिए वही तो पूछ रहा हूं। आप बताइए क्या दिखा रहे हैं, आप बताइए क्या दिखा, आप अपने चैनल पे दिखाइए। कैमरा आपका है, माइक आपका है, आपको सरकार से क्या चाहिए बताइए। सरकार हमें रोजगार दे, हमें शिक्षा दे, हमें स्वास्थ्य व्यवस्था दे, देगी सरकार? रहने के लिए गरीबों के लिए रहने के लिए घर दे, खाने के लिए खाना दे, देगी? बताइए देगी सरकार? क्या दे रही सरकार हमें? कोई एक चीज बताइए, इतनी चीजें आप हमें दे रही सरकार। 22 तारीख को राम मंदिर एक वहाँ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 400 से ज्यादा मंदिर अकबरपुर में तोड़े जाएंगे, जो हर घर में राम, जहाँ से आबादी 30,000 करीब है, वहाँ पर 22 तारीख को एक मंदिर का उद्घाटन होगा, और यहाँ 400 घर में राम जी रखे हुए हैं, सबके वहाँ फोटो लगा है, और वो 400 मकान गिराए जाएंगे, आप देख लेना। आप दिखा सकते हो भारतीय जनता पार्टी को? नहीं दिखाओगे। और सुनो, जिस तरह माइक लेके यहाँ आयो, पहले गाँव पे जाओ, ठीक, किसी गांव में चले जाना, यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद किसी गांव में जाना और बताना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाने आया हूँ। पहले तो तुम सूते जाओगे, फिर ठीक है उसकी बात, तुम भारतीय जनता पार्टी के पास जाना, किसी नेता के पास, कह दीजिए हम गए थे आपके फेवर में वहाँ प्रचार करने, हमको कूटा गया। 400 नहीं भैया, 1400 घर है, 1400 घर है, 2500 मीडिया शब्द का मतलब समझते है? मीडिया शब्द का मतलब है इजरायली शब्द से लिया गया, इसका मतलब हिब्रू, और हिब्रू का मतलब होता है भरम की देवी, जो आजकल आप भरम फैला रहे हैं, ये भरम की देवी जो मीडिया का मतलब, ये भरम की देवी जो मीडिया अपना अगर कोई काम कर रही है तो सबसे बखूबी इसी काम को निभा रही है। आप भारत की मीडिया की जो बात कर रहे हैं ना लगातार, जिसकी वजह से पूरा मुहिम तैयार की जाती है, आप देखिए कि इसका जो पूरे वर्ल्ड लाइफ में जब इंडक्शन हो जाता है, जब इंडेक्स आता है, रैंक आता है, तो 161वें पायदान पर रहे आप, तो आप जान लीजिए मीडिया की भूमिका बाद में बात करेंगे। अलायंस कैसे देखते हैं 24 में, क्या माहौल है? इंडिया अलायंस, देखिए इंडिया अलायंस के भी लोगों को जरूरत है कि जिस पार्टी से आप सामने लड़ रहे हैं, आप उसके पास 38 पार्टियों का गठबंधन है, और अभी और बढ़ गए, लो 41 हो गए, और इसके बाद आपके जो विपक्ष में 28 पार्टियां हैं, उसके पास भले ही छोटी पार्टियां, लेकिन वो लोग 24 घंटे वर्किंग मूड में रहते हैं। अगर इंडिया वाले अलायंस को काम करने की जरूरत है, बिल्कुल काम करने की जरूरत है, खाली ट्विटर खेलने से या उससे कुछ नहीं होगा, घर घर गांव गांव तक जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अभी खाद की रेट, बोरी का रेट क्या है, और पहले खाद की बोरी का रेट क्या था। ठीक है, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। इस बार जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है बीजेपी को रोकने के लिए, एनडीए दल को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं अलायंस एक साथ आया है। अब देखते हैं कि जनता का कितना साथ मिलता है, अलायंस कितना तैयार होता है, क्या माहौल बनता है, उनसे बातचीत करेंगे, वहां भी जाएंगे अलग अलग लोकसभा में, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।